नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। रुड़की से एक बड़ी खबर आ रही है सामने। रुड़की के सोलानी पार्क के पास गंग नहर में बहता हुआ एक युवक का शव मिला है। रुड़की में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गंग नहर सोलानी पार्क के पास एक युवक जिसका नाम नरेश पाल ऋषि केश मुनि के रेती का रहने वाला है, उसका शव मिला। सर, इन्होंने देखा ये हर बॉडी को निकालते हैं नहर में, इनका काम ही है। तो ये आ रही थी बॉडी, इन्होंने देखा कि किनारे लग रही है, तो इन्होंने मदद करके दो जनों के साथ निकाल लिया। नरेंद्र पाल इसका नाम, ऋषि के जाटे वाले का, मकान नंबर 4। तो कहीं ऐसा तो नहीं है अभी पीछे ग्लेशियर का कुछ हुआ, मामला हुआ था? नहीं सर, उधर से होता था, दोनों डैम पार करके ऋषिकेश, मुझे लगता है ऋषिकेश से आए। जी, उससे कोई लेन देन नहीं है? नहीं। स्थानीय लोगों द्वारा उसकी सूचना सिविल लाइन कोतवाली को दी गई। कभी मौके पर आई पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हैरानी की बात जब सामने आई है कि युवक जिसका नाम जलबीर उप मोनू है, जिसने शव को बहता देख उसे गंग नहर से बाहर निकाला है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक को बाहर निकाल लिया गया। इससे पहले वह भी कहीं शव को गंग नहर से बाहर निकाल चुका है। न्यूज उत्तराखंड समाचार से पुनीत रोहिला के साथ मनीष ग्रोवर, क्राइम संवाददाता की रिपोर्ट। उत्तराखंड समाचार मित्रों, आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पुनीत रोहिला, न्यूज उत्तराखंड समाचार चैनल है। हम अपने दिखाते हैं कैमरामैन को कि एक लाश यहाँ मिली है। देखिए पुलिस किस तरह से यहाँ पे कार्य कर रही है। ये जो शख्स है ऋषिकेश का बताया जा रहा है, ऋषिकेश मुनि की रहती है, नरेश पाल। तो यहाँ पर मशक्कत कर रही है पुलिस का एक सराहनीय कदम। पुलिस इस लाश को अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रही है। इसमें बचाने वाले एक जो जलवीर नाम का व्यक्ति है, वो भी यहाँ पे कई बार यहाँ पे तरह के बचा चला है। मैं दिखाता हूँ कि देखिए आप कैमरा किस तरह से लेके जा रही है यहाँ पुलिस।